बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आपको आज की वीडियो में। मैं जी इस वक्त मौजूद हूँ अपने होम टाउन टस्का शहर में, और जब हम टस्का शहर की बात करते हैं तो टस्का शहर के अंदर कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो टस्का शहर के अपने हैं और कदीम ब्रांड्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्वीट्स के हवाले से। तो टस्का शहर के अंदर जो सबसे कदीम तरीन मिठाइयों की दुकान है, मैं इस वक्त उस दुकान पर मौजूद हूँ। तो ये दुकान जो है ये कहाँ पर मौजूद है, इसका नाम क्या है, इनके पास क्या प्राइसिंग अवेलेबल है, और सबसे बड़ी बात इनका जो नाश्ता है हलवा पूड़ी का, वो पूरे टस्का शहर में फेमस है। तो आइए आज की वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कसरे श्री स्वीट्स, जो कि 1978 से टस्का शहर के अंदर मौजूद है। और इस वक्त इनकी दो ब्रांचें हैं जी। एक इनकी ब्रांच है चमड़ियाल रोड टस्का पे, जो कि इनकी मेन ब्रांच है, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ इनकी ब्रांच नंबर दो पे, जो कि है सर्कुलर रोड, ये बिल मुकाबल है सिविल हॉस्पिटल के। तो अभी अंदर चलते हैं जी, आपको इनका एनवायरनमेंट भी दिखाते हैं और इनके पास मिलने वाला नाश्ता भी दिखाते हैं। श्री ब्रांच नंबर टू, मेन सर्कुलर रोड अपोजिट सिविल हॉस्पिटल। ये सामने जी मेन सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे सामने सिविल हॉस्पिटल का मेन गेट है, ये सर्कुलर रोड है और सामने वहाँ पे सिविल चौक है। ये तो ख़वातीन हज़रात, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है रिजवान भाई, जो कि कसरे श्री के ऑनर हैं। एक तो मुझे कसरे श्री का तारुफ थोड़ा सा, ठीक है, हाजी साहब के बारे में, कब उन्होंने शुरू किया, और फिर इस ब्रांच के वाले से खास तौर पे कि यहाँ पे कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल है। हमने सर जी अलहमदिल्ला इस ब्रांच का आगाज़ किया था, इसको तो हमने शुरू किया है 4 साल पहले जी। मेन हमारी ब्रांच 1978 से हम शुरू कर रहे हैं, अलहमदिल्ला बना रहे हैं। समढ़िया रोड पे हमारी ब्रांच है, जो मेन ब्रांच है हमारी। उसके बाद फिर हमने सोचा कि इसको बेहतर करें, इम्प्रूव करें कस्टमर की फैसिलिटी के लिए, फिर हमने इसको एक ब्रांच यहाँ पे तकरीबन 2019 में इसको स्टार्ट किया। ठीक है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला हमें यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, दोस्तों का मोहब्बत मिली हमें, और क्वालिटी को भी हम कह रहे हैं, सोचते हैं, बल्कि सोचते भी रहते हैं, हम कहते भी रहते हैं बनाएं इसको, हर लिहाज से इम्प्रूव करें, क्वालिटी बेहतर करें, वैरायटी बेहतर करें, और बाकी अल्लाह ताला की मदद के बाद मैं समझता हूँ आप दोस्तों की बड़ी मोहब्बत है कि आप इसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं हमारे लिए। और बाकी ये मज़ीद हमारी वैरायटी है स्पेशल, ये भी हमने रिसेंटली इसका आगाज़ किया है जी। ये इसको बोलते हैं वैसे खुशाबी डोडा, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमने जो मेन, उसके बाद हमारी जो हमने सबसे पहले आगाज़ किया था वो कलाकंद और खून बर्फी, इसका में हमने ये सबसे पहले ये मुतारफ करवाई 1978 में। अलहमदिल्ला मेरे बुजुर्गों ने, आज मलक मुख्तार साहब इस शॉप के बानी हैं, वो उन्हीं की मेहनत की बदौलत हम यहाँ बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद आजकल जो मोस्ट, जो मैं समझता हूँ जो कस्टमर की डिमांड होती है, हलवा ज़्यादा आ जाता है, काफ़ी ज़्यादा, और हलवों में दो हलवे में समझता हूँ सबसे मोस्ट जो मतलब टेस्टफुल है, हलवा अखरोट और एक मुल्तानी हलवा, ये दो चीज़ें कस्टमर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, बाकी वैरायटी तो बेशुमार, उसमें हलवा अखरोट भी आ जाता है, या गढ़ी हलवा है, खजूर हलवा है, काजू हलवा है, फिर उसके अलावा ये पिस्ते का हलवा बड़ा स्पेशल है जी, ये कश्मीरी बर्फी है हमारी। बाकी अलहमदुल्ला वैरायटी को हम बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं हर लिहाज से, आप आएँ हमारे पास चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर वैरायटी मिलेगी इंशाल्लाह। उसके अलावा ये देखें हमारे स्पेशल रसगुल्ले हैं, साथ ही देखिए स्पेशल रसगुल्ला हमने
इसको बेशक ये पनीर का होता है, अच्छा। है तो ये भी रसगुल्ला पनीर का ही है, लेकिन इसका इसका थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है टेस्ट में भी और क्वालिटी में भी। ठीक है, उसके बाद सर आप आ जाएँ, ये नीमको हमारी स्पेशलिटी है, नीमको में बेशुमार हमारी वराइटियाँ आ जाती हैं, ये मतलब ये स्पेशल नीमको गुजराती नीमको है, दाल चना है। इसके बाद एक हमारी ड्राई फ्रूट वाली नीमको होती है, अभी आई नहीं है, वो भी इंशाल्लाह दो चार दिन में आ जाएगी इंशाल्लाह। ये सर शैरन वगैरह हमारे पास, उसके अलावा आप आएँ आपको हलवा पूरी पसंद आएगी इंशाल्लाह हमारी। हलवा पूरी कितनी देर हो गई है वैसे आपको लगाते हुए? सर जी अभी हम इसका स्टार्ट से हम कर रहे हैं, शुरू से हलवा पूरी कर रहे हैं, ये चल रहा है मामला। ठीक है, तो बड़ा शमाशा हमारा कस्टमर का फीडबैक है, नुकसान भी कर रहे हैं वो। उसके बाद हमारा ये ग्रिल सैंडविच अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि ये आता है तकरीबन 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है मोस्टली। ठीक, तो 12 बजे के बाद चक्कर लगाए दोस्त आए सब समझ आएगा। ये जी सिटिंग प्लेस भी है, सिटिंग बिल्कुल, आप नाश्ते के लिए यहाँ पे नाश्ता अंदर भी बैठ कर सकते हैं, पैकिंग भी है, पार्सल भी आप ले सकते हैं, टेक अवे है, सिटिंग है जी। रिजवान भाई थैंक यू सो मच जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जिस वक्त हमारे पास स्पेशल सौगात आ चुकी है जी, इसमें जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा जिसने अट्रैक्ट किया है, एक तो ये जो बर्फ़ी है, इसके अलावा ये डोडा है, ये हलवा करोटा है, और ये डोडा है जी, ये खुशाब की जो है ना बड़ी फेमस सौगात है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ पे भी रिजवान भाई ने स्टार्ट किया है। सबसे पहले ना ये वाली जो बर्फ़ी है ना, इसको टेस्ट करते हैं। इसकी रीज़न ये है कि इसकी जो शक्ल है वो दूसरी नॉर्मल बर्फ़ी से डिफरेंट है। ये जी अभी हमारे पास आ चुकी है जी स्पेशल बर्फी है जी, सुभान अल्लाह। नॉर्मल जो बर्फी हम खाते हैं ना जी, ये उससे डिफरेंट है, और मेरे ख्याल में इसके अंदर जो शुगर लेवल है वो भी बड़ा बैलेंस है, तो ये जो लोग ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करते उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ये जी सेकंड चीज़ है जी हमारे पास डोडा, बड़ी स्पेशल सुगात आप कह सकते हैं जी, चिन्योट और खुशाब वाली साइड पे। उसकी जो फ्रेशनेस है वो बता रही है कि बड़ी बेहतरीन चीज़ बनाई गई है जी।